मैं एवरी वन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो है स्विंग की बहुत ही ईजी मेथड, जो बिगनर्स हैं हमारे वो किस तरह से जो है वो स्टिचिंग न्यू न्यू स्टार्ट करती हैं और करने में उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इस तरह से जो हमारे पास जो सिल्की फैब्रिक होते हैं, जो रेशमी टाइप होते हैं, उनको जो है फोल्डिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उनके लिए बहुत ही ईजी मेथड के साथ मैं जो है वीडियो लेकर आई हूँ, किस तरह से वो अपनी जो है स्टिचिंग आसानी से वो कर सकते हैं। छोटा सा ट्रिक करूँगी आपके साथ शेयर। सबसे पहले हमें उस ट्रिक के लिए चाहिए एक अदद, इस तरह से टेप। आप किसी भी कलर के ले सकते हो या फिर आप जो है वो जो डबल स्टिचिंग डबल टेप होती है वो भी ले सकते हो। आप इस तरह से एक की लेंगे, आप इस तरह से कोई भी की आप ले सकते हो। आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ी हुई होगी तो इस तरह से आप वो ले सकते हो। है उसको हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद हमने जो है इस तरह से अपनी जो की है वो इस जगह पे रखनी है और हम यहाँ पे डबल स्टिच यहाँ पे इस तरह से टेप अटैच कर देंगे। इस तरह से देखिए हमने जो टेप है वो अटैच कर दी है। हमें टेप इस तरह से अटैच करनी है कि हमारे दोनों तरफ से जो हमारी ये की है वो हमारी कवर हो जाए। हमने कर दी है। अब हम करेंगे इस फैब्रिक की जो है फोल्डिंग। देखें इस तरह से करनी फोल्डिंग बहुत ही मुश्किल होती है। हम इस तरह से बार बार फोल्डिंग करते हैं, स्टिच करते हैं, हमें बार बार फोल्ड करना पड़ता है तो हमारी जो फोल्डिंग है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या फिर हमारी जो है स्टिचिंग है वो बार बार खुलती रहती है, जिससे हमारी जो लाइन है वो टेढ़ी लग जाती है। ये हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी हमारी स्टिचिंग करने में। तो हमने इस तरह से इसको जो है वो लगा के, लगाने के बाद हमने जितनी फोल्डिंग हमने चाहिए हमें कपड़े की करनी है उतनी करके इसकी के नीचे से इस तरह से हम उस कपड़े को इस तरह से देखें इसके नीचे से गुजार लें। गुजारने के बाद इस तरह से हम बस फोल्ड हमने नीचे से करना है और हमने दरमियान से बिल्कुल भी इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि किस के यहाँ से खुल जाएगा या फिर दोबारा दोबारा हमें फोल्डिंग करना पड़ेगा। इस तरह से देखें हम फोल्डिंग करेंगे और इस तरह से स्टिच लगाते जाएंगे, हमारी बिल्कुल परफेक्ट और सीधी स्टिचिंग लगेगी। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रिक है ये बिगनर्स के लिए। आप किस तरह से जो सीधी लाइन है वो स्टिचिंग है सीधी लाइन की कर सकते हैं और रेशमी जो फैब्रिक होता है बहुत ही इजी मेथड के साथ हमारी वो स्टिचिंग हो जाएगी। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये ट्रिक मेरा। ये देखिए इस तरह से हमने जो है सीधी सिलाई लगा के दिखाई है आपको। आपको मैं ये इस तरह से कट करके दिखाती हूँ, अपनी सारी स्टिचिंग की हुई है। ये देखिए आप देख सकते हो बिल्कुल हमारी बराबर स्टिचिंग हुई है। कहीं से भी बड़ी छोटी मोटी या फिर जो हमारा जो हम नेफा बनाते हैं अपनी कैप्रेस का ऊपर वाला, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा झोल आता है, इस तरह से आप बना सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है ये की वाला, आप कर सकते हो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।